चले तो आगे बढ़ते हैं। शुरू पॉइंट लिखा रहे हैं यानी सिमुलर का प्लॉट कैसे बनाया जाए, तो कहाँ तक करा दिया है। लास्ट पॉइंट क्या था, यानी क्या था, सम ऑफ द नाउंस विच लुक लाइक प्लूरल है बट दे आर ऑलवेज यूज एज सिमुलर है एंड टेक सिमुलर वर्ब। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, लिखना है, देखिए सम ऑफ द नाउंस, सम ऑफ द नाउंस, सम ऑफ द नाउंस, सम ऑफ द नाउंस, सम ऑफ द नाउंस फॉर्म दियर प्लूरल, फॉर्म दियर प्लूरल, फॉर्म दियर प्लूरल, फॉर्म दियर प्लूरल इन इरेगुलर वे, इन इरेगुलर वे, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जो फॉर्म होता है वो इरेगुलर वे में बनता है, प्लूरल जो बनेगा कैसे, जैसे मान लीजिएगा आपको मिले कहीं भी आपको आई एस मिले, आई एस मिले तो इसको चेंज जो करना है, इसको चेंज करना ई एस में, तो आपका ये प्लूरल बन जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिएगा हमने लिखा दो कॉलम बना लिया, यानी सिंगुलर में ऐसे मिलेगा तुमको और प्लूरल में तुमको ये कर देना है। जैसे कि सिंगुलर प्लूरल दो कॉलम बनाए, हमने कहा बेसिस, बेसिस तो बेसिस का हो जाएगा बेसिस इस तरीके से, ठीक। हमने कहा सिनॉप्सिस तो इसका हो जाएगा सिनॉप्सिस इस तरीके से लिखो। और मैं बोल रहा हूँ कि डायग्नोसिस, डायग्नोसिस डी आई ए जी एन ओ एस आई एस डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस का प्लूरल बनाने में बस ई एस कर देना है बाद में, ठीक है, आई एस का ई एस कर देना है बाकी जो होगा। तो आर लिखना है थीसिस, टी एच ई एस आई एस थीसिस, आगे लिखना है एक्सिस, ए एक्स आई एस एक्सिस, तो इसका प्लूरल बना लेंगे बस ये लगा देना है। और लिखना है एनालिसिस, एनालिसिस ए एन ए एल वाई एस आई एस एनालिसिस, आगे लिखना है ओसिस, ओ ए एस आई एस ओसिस, तो बस ई एस लगा देना है आपका प्लूरल बन जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्या है इसमें इरेगुलर में ही आपका मान लीजिएगा आपको मिल जाए यू एम, यू एम तो इसको चेंज कर देना है, कई बार तो चेंज होगा आपका ए में और कई बार चेंज होगा एस में, इस तरीके से चेंज होगा। कैसे होगा, ये मान लीजिएगा सिंगुलर होगा, ये प्लूरल में आएगा बन करके, दो कॉलम बनाया सिंगुलर प्लूरल का, हमने कहा डेटम, डेटम तो डेटम का हो जाएगा डेटा, ठीक, डेटम का डेटा। ऐसे ही हमने कहा मीडियम, मीडियम तो मीडियम का हो जाएगा मीडिया, तो इस तरीके से लिखो। उसके बाद आगे लिखाते हैं, तो उसके बाद लिखिए, चलिए तो लिख लिया, आगे लिखो, लिखिए अजेंडम, अजेंडम
ए जी ई एन डी यू एम एजेंडम, एजेंडम का हो जाएगा एजेंडा, एजेंडा ए जी ई एन डी ए एजेंडा। आर स्टेडियम, स्टेडियम एस टी ए डी आई यू एम स्टेडियम, स्टेडियम का हो जाएगा स्टेडिया, स्टेडिया एस टी ए डी आई ए स्टेडिया। आर नाइन कॉरम, क्यू यू ओ आर एम कॉरम, कॉरम का हो जाएगा कॉरम्स, क्यू यू ओ आर यू एम एस। आर नाइन करिकुलम, करिकुलम सी यू आर आर आई सी यू एल यू एम यानी सी यू आर आर आई सी यू एल यू एम करिकुलम, तो करिकुलम का हो जाएगा करिकुला, करिकुला सी यू आर आई एल यू सॉरी सी यू एल हाँ क्या बोला सी यू आर आर आई सी यू एल ए करिकुलम, या कह सकते हैं करिकुलम्स, करिकुलम्स बस उसी में एस लगा देना है ठीक है, यानी यू एम का चेंज हो रहा है तो ए में चेंज करेंगे या फिर एस में, यानी यू एम खत्म हो जाए। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम बी ए सी टी ई आर आई यू एम बैक्टीरियम, बैक्टीरियम को हो जाएगा बैक्टीरिया, तो यानी बैक्टीरियम को हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और अपना डिक्टम, डिक्टम डी आई सी टी यू एम डिक्टम, डिक्टम का हो जाएगा डिक्टा, डिक्टा डिक्टम का हो जाएगा डिक्टा। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस एच वाई पी ओ टी एच ई एस आई एस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का बस यस कर देना है चेंज हो जाएगा। आगे लिखना है क्राइसिस, सी आर आई एस आई एस क्राइसिस, तो क्राइसिस का क्राइसिस सी आर आई एस ई एस हो जाएगा बस, आई एस का तो वो कर रहे ना बस यस, ये तुमको उसमें बोल दिया क्या नाम है उसका कर दिया है आई एस वाला बोल दिया है, चलिए कोई नहीं तो आगे लो। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन सी आर आई टी ई आर आई ओ एन क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सी आर आई टी ई आर आई ए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। आगे लिखना है मोमेंटम, मोमेंटम एम ओ एम ई एन टी यू एम मोमेंटम, मोमेंटम का हो जाएगा मोमेंटा, मोमेंटा एम ओ एम ई एन टी ए मोमेंटा, तो मोमेंटम का हो जाएगा क्या मोमेंटा। मोमेंटम का मोमेंटम चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए सम ऑफ द नाउंस,
समाप्ति समाप्ता करना, समाप्ता कंपाउंड नाउंस, समाप्ता कंपाउंड नाउंस यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, समाप्ता कंपाउंड नाउंस, फॉर्म डियर प्लूरल, फॉर्म डियर प्लूरल, फॉर्म डियर प्लूरल बाय एडिंग एस, बाय एडिंग एस इन रूट वर्ड, इन रूट वर्ड यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके क्या करना पड़ता है, रूट वर्ड में एस लगा के बना देते हैं जब कंपाउंड नाउन होंगे तो। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है, कंपाउंड नाउन मतलब जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो, तो क्या वो कंपाउंड नाउन बन जाता है, जिसमें एक से ज्यादा आपका वर्ड हो वो आपका कंपाउंड नाउन बन जाएगा, यानी जो दो नाम से मिलकर बनता हो, जो दो नाम से मिलकर बनता हो उसको मतलब हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, यानी जो दो नाम से मिलकर बनता है। कैसे जैसे हमने कहा दो कॉलम बनाया सिंबल प्लूरल, हमने कहा बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तो यहां पर जो रूट वर्ड है आपका ये है फ्रेंड, बॉय फ्रेंड यानी क्योंकि फोकस आप किसको करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, ठीक है। बॉय लड़का है तो उसमें तो कोई नई बात नहीं, भी आप उसको सीधा भी कह सकते थे, लेकिन आपने फोकस करना चाहिए कि मतलब करना चाहे कि वो है मेरा जो फ्रेंड है वो बॉय है, ठीक है, तो बॉय फ्रेंड, तो इट मीन्स जो रूट वर्ड है वो ये है, तो प्लूरल जो बनेगा बाद वाले शब्द का बनेगा और बना देंगे बॉय फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स इस तरीके से बनेगा, इस सिंगुलर का प्लूरल इस तरीके से, ऐसे नहीं कि बॉयज फ्रेंड कर दोगे या बॉयज फ्रेंड्स कर दोगे, नो no. या तो ऐसे याद रख लीजिए जब दो वर्ड आए, ठीक है, दो नाम हो एक साथ जुड़े हुए तो बाद वाले का बनाया जाता है, बाद वाले का प्लूरल बनाते हैं, इस तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी बॉयफ्रेंड का क्या हो जाएगा, बॉय फ्रेंड्स, ऐसे ही गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड का हो जाएगा गर्लफ्रेंड्स, लेकिन याद रखना अगर कोई कंपाउंड नाउन में बीच में कोई प्रपोजिशन आ जाए तो याद रखना जो प्रपोजिशन से पहले नाउन है उसका रूट बनेगा, क्योंकि रूट वर्ड वही होगा, जैसे या सीधा सीधा आप जान लीजिए रूट वर्ड, ठीक है, बाकी मैं ये तो टेक्निक दे रहा हूँ आपको कि मान लीजिए इस तरीके से मिले आपको तो बाद वाले वर्ड का बनाना है, अगर किसी में प्रपोजिशन आ जाए तो पहले वाले वर्ड का बना देना, जैसे हमने कहा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो अब हमने कहा ब्रदर इन लॉ इसका प्लूरल आपको बनाना है, तो भाई जो रूट वर्ड है इसमें देखो ये है ब्रदर है, ठीक है, इसको फोकस करना चाहा ना आपने, ठीक है, तो ब्रदर्स इन लॉ इस तरीके से प्लूरल बनेगा, ठीक। तो यानी अगर प्रीपोजिशन आए तो पहले वाले वर्ड का बनाना है, पहले वाले नाम का प्लूरल बनाना है, अगर दो कंपाउंड इस तरीके से आए तो बाद वाले का बनाना है, ठीक है। तो इसे देखो और मैं दिखा रहा हूँ, लिखिए जल्दी से, चलिए जो लिख रहे हैं तो आगे लिखो, देखिए सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, आगे लिखना है स्टेपसन, स्टेपसन तो स्टेपसन का हो जाएगा स्टेप सन्स, स्टेप सन्स, क्योंकि जो रूट वर्ड है वो क्या है सन, तो स्टेप सन्स, आगे लिखना है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट एम ए आई डी मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स, आगे लिखना है
पासर बाय, पासर बाय पी ए एस एस ई आर, पासर बाय बी वाय बाय, तो पासर बाय का हो जाएगा पासर्स बाय, पासर्स बाय। आगे लिखना है हैंगर ऑन, हैंगर ऑन एच ए एन जी ई आर, हैंगर ऑन, तो हैंगर ऑन का हो जाएगा हैंगर्स ऑन, हैंगर्स ऑन, हैंगर्स ऑन। आगे लिखना है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर सी ओ एम एम ए एन डी ई आर, कमांडर इन चीफ सी एच आई एफ चीफ, तो कमांडर इन चीफ किसका प्लूरल बनाना चाहोगे, किसका बनाओगे, कमांडर का बनेगा, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। ऐसे ही अगर लिखना है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर किसका बनाना पसंद करोगे, मिनिस्टर का, क्योंकि वो है रूट वर्ड, तो चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स। आगे लिखना है इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ, तो किसका बनेगा, इंजीनियर का, तो इंजीनियर्स इन चीफ, इंजीनियर्स इन चीफ। नॉट में लिखना है, नॉट में, नॉट में लिखना है बट, बट सम कंपाउंड, मतलब सम कंपाउंड नाउंस, सम कंपाउंड नाउंस आर, आर मेड बाय, आर मेड बाय मैन एंड वोमेन, मैन एंड वोमेन, यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मैन एंड वोमेन से मतलब बनते हैं। देन वी मेक प्लूरल, वी मेक प्लूरल ऑफ बोथ, फिर हम दोनों का प्लूरल बनाते हैं, वी मेक प्लूरल ऑफ बोथ, फिर हम दोनों का प्लूरल बनाएंगे, कैसे, जैसे लिख लेना है मैन टीचर, सिंगुलर में लिखना है मैन टीचर, मैन टीचर एम ए एन मैन टीचर टी ई ए सी एच ई आर है, तो मैन टीचर का हो जाएगा मेन टीचर्स, मेन टीचर्स एम ए एन की जगह एम ई एन हो जाएगा, मेन टीचर्स, मेन टीचर्स। तो ये मैन का जो बना है एम ई एन बताया था, इन साइड का वॉवल कुछ नाउन ऐसे होते हैं सम ऑफ द नाउन्स है फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इन साइड द वॉवल, जो मतलब अंदर वॉवल होते हैं उनको चेंज कर बनाया जाता है, तो मैन टीचर्स हो गया। आगे लिखना है वोमेन सर्वेंट, वोमेन सर्वेंट, वोमेन सर्वेंट, तो वोमेन सर्वेंट का हो जाएगा वीमेन सर्वेंट्स, वीमेन सर्वेंट्स, यानी एम ई एन हो जाएगा, बस एम ई एन जो बाद में है एम ई एन हो जाएगा, तो वोमेन सर्वेंट्स। आगे लिखना मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर, तो मैन ड्राइवर का हो जाएगा मैन ड्राइवर्स, मैन ड्राइवर्स। आगे लिखना है वोमेन डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर, तो वोमेन डॉक्टर का हो जाएगा वीमेन डॉक्टर्स, वीमेन डॉक्टर्स। इसी के नीचे बट में लिख लेना, आगे बट एक लाइन मतलब नई लाइन लिखना, बट, बट मैन ईटर एम ए एन मैन ईटर ई ए टी ई आर मैन ईटर, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो याद रखना बस बाद वाले वर्ड क्या बनेगा, मैन ईटर्स,
मैन ईटर्स, एम ए एन मैन ईटर्स, ई ए टी ई आर एस मैन ईटर्स। ऐसे वोमेन हेटर, वोमेन हेटर डब्ल्यू ओ एम ए एन वोमेन हेटर एच ए टी ई आर हेटर, तो वोमेन हेटर का हो जाएगा वोमेन हेटर्स, वोमेन हेटर्स। तो यहाँ पर जो है ये रूट वर्ड है ईटर, ईटर और हेटर, ठीक है। यहाँ पर ये रूट वर्ड है तो बस इसी का ही बनाएंगे, ठीक है। मैन वोमेन का नहीं बनेगा, क्योंकि ईटर मतलब वन हु ईट्स मैन, जो आदमी को खाता हो, और हेटर वन हु हेट्स वेमेन, जो वेमेन से नफरत करता हो, ठीक। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लिखिए नंबर्स, नंबर्स मान लीजिएगा कोई नंबर हो, या नंबर्स मत करना, नंबर करना, नंबर कॉमन लेटर एल ई टी टी ई आर लेटर, नंबर लेटर एब्रीवेशन, एब्रीवेशन ए बी बी आर वी आई ए टी आई एन एब्रीवेशन, वी आई ए मतलब टी आई एन एब्रीवेशन। आर मेड इन प्लूरल फॉर्म, आर मेड इन प्लूरल फॉर्म, आर मेड इन प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग apostrophe s, यानी उनको अपस्ट्रॉफ एस लगा कर बनाया जाता है, अपस्ट्रॉफ एस लगा कर उनको बनाया जाता है। यानी क्या, अगर कोई नंबर है, कोई लेटर है, कोई एब्रीवेशन है, तो उसका जो प्लूरल बनेगा वो एपोस्ट्रॉफ एस लगा कर बनेगा। कैसे वो देख लेना है, मान लीजिएगा दो कॉलम बनाया सुनर प्लूरल का, हमने कहा के, मान लीजिए के बोला तो इसका प्लूरल बनाना है, तो के का बनेगा केस, इस तरीके से, ठीक है। आप स्टॉप ऐसे लगा देंगे, ऐसे मान लेगा टू, तो टू का हो जाएगा टूज, इस तरीके से, पहले को के का केस, टू का टूज, इस तरीके से। ऐसे लिखना है टी, टी टी का हो जाएगा टीज, ठीक है। बस एपोस्ट्रॉफ एस लगा देना है। ऐसे सेवन, सेवन तो ऐसे सेवन का सेवन आगना, मतलब एब्रीवेशन जो मतलब शॉर्ट में बोल देते हैं, जैसे बीए, 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 तो बीए का हो जाएगा बीएज, बस बीए के बाद एपोस्ट्रॉफ एस लगा देना है। ऐसे ही एमए, एमए, एमए का हो जाएगा एमएच। आगे ले लेना है और एसडीओ, एसडीओ, एसडीओ का हो जाएगा एसडीओज, एसडीओज। आगे लेना है इफ, आईएफ इफ, इफ का हो जाएगा इफ्स, एपोस्ट्रॉफ एस लगा के इफ्स। और लेना है बट, बट का हो जाएगा बट्स, चलिए तो लिख लिया, चलिए तो इस तरीके से जो है हम सिग्नल का प्लूरल बना लेंगे, ठीक।
इसके मान लीजिएगा कुछ एग्जाम्पल लिखना हो राइट डाउन करने के लिए, जैसे हमने कहा देयर आर टू हाई इन इंडिया। मान लीजिएगा उन्होंने बोला देयर आर टू आई इन इंडिया, नंबर टू देयर आर टू आईज इन इंडिया, तो फर्स्ट वन राइट होगा रॉन्ग होगा? सेकेंड वन राइट। वाई बिकॉज यहाँ पर आई मान ली दो आई की बात करें तो टू के बाद तो प्लूरल आना चाहिए, ठीक है, तो प्लूरल आना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल आया तो सही राइट है, ठीक, ये गलत हो जाएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल लिखिए माइंड योर इफ एंड बट, माइंड योर इफ एंड बट, माइंड योर इफ एंड बट। दूसरा लिखना है माइंड योर इफ्स एंड बट्स, माइंड योर इफ्स एंड बट्स, तो कौन सा राइट होगा? है सेकंड वन, सेकंड वन को राइट कर लेना, ठीक। तो बस नाउन जो सिमिलर है प्लूरल है वो इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक। तो यानी जो नंबर है वो आपका फिनिश है, बाद बाकी जो हम सीखेंगे कल वो यूसेज सीखेंगे, आखिर प्रयोग कैसे किया जाए, इन सब का प्रयोग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, और कॉमन एरर वगैरह सीखेंगे, ठीक है, कैसे राइट रॉन्ग करना है हमको, ये सब चीज़ें हम जो है कल सीखेंगे, ठीक। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो रुक के जाना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे क्लास जाता ही है, वहाँ देख लेना है, ठीक है। और वो रहा वॉचिंग यूट्यूब, यूट्यूब देख रहे हैं उनको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग।